अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पोस्चर से रिलेटेड डिस्कस करना है कि अगर एक पर्सन सिटिंग पोजीशन में है तो उसका पोस्चर किस तरह से उसको अफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखें, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पोस्चर को डिस्कस किया, उसके डिफरेंट मसल्स, हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट क्या था इन स्टैंडिंग पोजीशन, बायोमैकेनिक्स ऑफ पेल्विस को डिस्कस किया और सेल्फ ब्रेसिंग ऑफ एसआई जॉइंट को डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी पर्सन सिटिंग पोजीशन में है तो उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, और अगर उसका पुअर पोस्चर है तो वो उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। हमारी डिफरेंट सिटिंग पोजीशंस, चेयर्स, डिफरेंट सिटिंग विद टेबल के मतलब टेबल और चेयर दोनों का यूजेज, दोनों अफेक्ट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि सिटिंग पोस्चर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारी नॉर्मल बायोमैकेनिक्स को। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि सिटिंग, हम लोगों ने स्टैंडिंग पोजीशन के हवाले से लास्ट टाइम डिस्कस किया कि स्टैंडिंग पोजीशन में कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे अच्छे और बुरे पोस्चर में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक पर्सन है, ही और शी इज़ सिटिंग, ठीक है, तो उसकी चेयर, उसका अपना पोस्चर मैटर करता है। ठीक है, और उसमें डिफरेंट अर्गोनॉमिक अप्रोचेस के हवाले से इसको डील करेंगे। तो आज सिटिंग को डिस्कस करना है कि चेयर की हाइट, चेयर कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट सपोर्ट्स हमें हेल्प करेंगे, जिस तरह के आर्म रेस्ट होता है, हमारा फुट किस पोजीशन में होना चाहिए, और कौन से पोस्चर हमारे सिटिंग को अफेक्ट करते हैं। अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग है तो हमें कैसे पोस्चर अडाप्ट करने चाहिए, कौन सी अर्गोनॉमिक अप्रोचेस देखनी चाहिए, तो इसको बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इन सिटिंग। बायोमैकेनिक्स में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? बायोमैकेनिक्स डील्स विद फोर्सेस। ठीक है, हमारी बॉडी में, हमारे डिफरेंट जॉइंट्स में कौन सी फोर्सेस एग्जर्ट हो रही है, बायोमैकेनिक्स में हमने ये डील करना है। खास तौर पे जब हम पोस्चर के हवाले से बात करते हैं तो बायोमैकेनिक्स का इसका बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जब भी हम पोस्चर चेंज करते हैं, एक पूर पोस्चर अडाप्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी पे, हमारे डिफरेंट जॉइंट्स पे जो फोर्सेस एग्जर्ट हो रही होती हैं वो मल्टीप्लाई कर जाती हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि एक सिंपल पर्सन है और वो स्टैंडिंग में है, तो उसका अपना बॉडी वेट, उसका फुटवेयर, ये चीज़ें मैटर कर रही हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्सन सिटिंग में है तो उस, वो बेशक लीन हो या फैटी हो, ये डिपेंड नहीं करता कि उसको कितना बुरा अफेक्ट आएगा अगर वो अच्छी पोस्चर में नहीं है। ये साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके पोस्चर पे डिपेंड करता है कि आपने सिटिंग में कौन सा पोस्चर अडाप्ट किया हुआ है। ठीक है, एक गुड सिटिंग पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपको बहुत सी अर्गोनॉमिक अप्रोचेस देखनी पड़ेंगी। आर्म रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फुट रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आर्म रेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बैक रेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सबको हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, एक सिंपल चेयर है कि उसमें कोई भी बैक रेस्ट नहीं है और आप बैठे हुए हैं इरेक्ट, तो क्या इस पोजीशन में हम प्रोलॉन्ग सिटिंग कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्पाइन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल याद कर लें कि जब भी आप सिटिंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह अभी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वेदर यू आर एट होम और जिस तरह से भी आप ले रहे हैं, चेयर और टेबल पे बैठ के ले रहे हैं, और इवन एट ऑन बेड और सोफ़ा, तो आपने अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी पोस्चर प्रॉब्लम्स ना आए, और जब भी आप प्रोलॉन्ग सिटिंग आपने करनी है, ठीक है, जैसा कि ऑफिस वर्कर्स ने 8 आवर्स ऑफिस में चेयर और टेबल पे बैठना है, तो दरमियान में उनको पोस्चर अपना चेंज करना चाहिए, स्टैंडिंग में थोड़ी देर आ जाएं, जैसा कि हमने कार्पल टनल सिंड्रोम में डिस्कस किया था कि अगर वो कंप्यूटर यूजेज उनका ज़्यादा है तो अल्टीमेटली उनको चाहिए कि वो आफ्टर 2 आवर्स अपने रिस्ट को एक्सटेंड करें, फ्लेक्स करें, ताकि वो थोड़े रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं। ठीक है, इसी तरह पोस्चर चेंज करना विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है। एक ही पोस्चर अडाप्ट करके आप 8 आवर्स बैठे रहेंगे तो अल्टीमेटली पोस्चर प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे।
ठीक है, अगर हम सबसे पहले इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि हमने आगे सारे लेक्चर में पढ़ना क्या है। ये एक अर्गोनॉमिक चेयर है जिसमें एक हेड रेस्ट है, ठीक है, उसके अलावा ये बैक रेस्ट है, ठीक है। बैक रेस्ट जो है वो इंटीरियरली कन्वेक्स है, ठीक है, क्योंकि हमारी लंबर स्पाइन भी इंटीरियरली कन्वेक्स होती है, ठीक है। थोरेसिक स्पाइन हमारी कन्वेक्स पोस्टीरियरली होती है या कनकेव इंटीरियरली होती है, तो उसी के मुताबिक ये इन्होंने शेप बनाई हुई है, ठीक है। अगर ये सामने से भी कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा तो अल्टीमेटली आपकी थोरेसिक स्पाइन भी कन्वेक्स बैकवर्ड है, तो अल्टीमेटली आपके शोल्डर्स राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आर्म रेस्ट यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे नोब है जो कि आपकी हाइट को एडजस्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द टेबल। टेबल की अगर हाइट एडजस्टेबल नहीं है तो चेयर एटलीस्ट हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए ताकि आप उसको प्रॉपरली चेयर टेबल वाला वर्क ईजिली कर सकें। उसके अलावा आपका फुट प्रॉपरली रेस्ट में आने चाहिए। आपकी हाइट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट स्टैंडिंग सिटिंग में ना बैठे हों, जैसा कि अगर आप लैब्स में अपने काउचेस पर बैठते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप शॉर्ट स्टैंडिंग में होते हैं। एक होती है लॉन्ग स्टैंडिंग, एक तो होती है शॉर्ट स्टैंडिंग। अगर तो आपके फुट ऑन फ्लोर नहीं है और वो हैंग कर रहे हैं तो वो फिर एक अच्छा पोस्चर मेंटेन नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो फुट ऑन ग्राउंड हो या फुट रेस्ट पे होंगे तो वो बेस्ट पोस्चर होगा। अगर हम लोग बात करें तो आर्म रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेशक आप ड्राइविंग कर रहे हैं, बेशक आप ऑफिस में हैं, बेशक आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, या घर में आप बैठे हुए हैं, तो आर्म रेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि आपकी आर्म को, आपकी जो आर्म का वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। पूरा का पूरा शोल्डर जॉइंट पर आपका वेट नहीं रहता। आपका जो आर्म है वो बेसिकली 10% ऑफ योर बॉडी वेट है। अब आप सबको अपना बॉडी वेट का अंदाज़ा होगा, उसका 10% आप सोचें आपके शोल्डर जॉइंट पे आ रहा हो तो इट्स अलॉट, ठीक है। तो आपका जो आर्म का वेट है, अगर इसके साथ आर्म रेस्ट हो हमारे चेयर्स के साथ जिस पे हमने बैठना है, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्प हो जाती है। उसके अलावा अगर आप देखें कि जब एक पर्सन ड्राइविंग कर रहा होता है ना, तो जो स्टीयरिंग व्हील है, ड्राइविंग व्हील, वो बिल्कुल सामने नहीं होता। जिस तरह हम लोग करते हैं ना शोल्डर की फ्लेक्शन 90 डिग्री, अगर आप शोल्डर की फ्लेक्शन करें 90 डिग्री, ठीक है, एल्बो भी एक्सटेंडेड है और शोल्डर की फ्लेक्शन है 90 डिग्री, तो इस पोजीशन में अगर आपका ड्राइविंग व्हील होता तो आपका जो आर्म का वेट और फोर आर्म का वेट, दोनों का वेट आपके शोल्डर के ऊपर आता, ठीक। तो ड्राइविंग व्हील्स जो हैं वो बेसिकली किस पोजीशन में होते हैं कि आपका वो आर्म के वेट आपका थोड़ा सा शोल्डर से रिलैक्स हो जाता है, वो आराम से नीचे ही होता है, और उसके अलावा आपका फोर आर्म इस पोजीशन में, ताकि फोर आर्म की पोजीशन में आपका ड्राइविंग व्हील होता है, ताकि आपका जो आर्म का वेट है ना वो बिल्कुल आपको इस पोजीशन में ना रखना पड़े और आपकी शोल्डर पे जो वेट है वो थोड़ा कम हो जाए। उसके अलावा आपकी कार्स में यहाँ पे आर्म रेस्ट भी मौजूद होता है, जैसे कैसे, ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करता है कि आप इस आर्म को थोड़ी देर के लिए रेस्ट में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बैक रेस्ट, बैक रेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बैक रेस्ट की क्या इम्पॉर्टेंस है, इस सबको हमने डील करना है। अगर बैक रेस्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपकी जो लंबर स्पाइन है ना, इस ये टिल्ट हो सकती है, इसका कर्व इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, पैल्विक टिल्ट आ सकती है। तो बैक रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेबलाइज योर पैल्विक एंड लंबर, ठीक है। अच्छा, अब बैक रेस्ट भी कितनी होनी चाहिए कि आपके जो स्कैपुला है ना उसके इन्फीरियर बॉर्डर से नीचे तक, ठीक। बैक रेस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ तक हो, आपके थोरेसिक रीजन या स्कैपुला के इन्फीरियर बॉर्डर से नीचे तक होनी चाहिए बैक रेस्ट, ठीक। और ये इन्होंने हेड रेस्ट यूज़ किया हुआ है। आप गाड़ी की एग्जांपल ले रहे हैं, आप नॉर्मल ऑफिस की एग्जांपल ले रहे हैं, आप घर की एग्जांपल ले रहे हैं, इन सब में अगर हम अर्गोनॉमिक अप्रोचेस को यूज़ करेंगे तो पोस्चर प्रॉब्लम्स को हम बहुत अच्छे से अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बैक रेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो नॉर्मली आप सबको पता है कि आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसका कर्व जो है वो लॉर्डोटिक होता है, थोरेसिक का काइफोटिक होता है, लंबर का लॉर्डोटिक अगेन होता है। अब इसको आपने लॉर्डोसिस या लॉर्डोटिक कर्व इज नॉर्मल फॉर लंबर, ठीक है। जब भी हम एबनॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो हमने हाइपर लॉर्डोटिक की बात करनी है, ठीक है। और जो भी पर्सन जो है वो काउच पोजीशन में आता है, क्राउच पोजीशन में आता है, या आप कह सकते हैं अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ ले जाएगा, प्रोट्रैक्शन कर लेगा,
अल्टीमेटली क्या होगा कि उसका जो लंबर स्पाइन है ना, इसमें स्ट्रेटनिंग आना शुरू हो जाएगी, ये जो कर्व है ना ये स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा. अब ये भी कायफोटिक है, ये भी स्ट्रेट या कायफोटिक होना शुरू हो जाएगा, तो ये सी शेप स्पाइन बन जाएगी. ठीक है, अगर आप बिल्कुल शोल्डर को आगे की तरफ मूव कर देंगे, राउंडेड शोल्डर अडाप्ट कर लेंगे. ठीक है, तो बैक रेस्ट अगर नहीं होगा तो अल्टीमेटली लंबर जो है वो स्ट्रेट हो सकती है, लंबर का जो कर्व है. एट बर्थ आपकी ये दो कर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप समझ लें कि थोरेसिक और सैक्रम का जो कर्व है वो हमारा कायफोटिक ही होता है ना, तो वो एट बर्थ भी प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी कर्व्स हैं. और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एज, जब वेट बेरिंग आती है आपके स्पाइन के ऊपर, जो एक आप कह सकते हैं इन्फेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू करता है, उसके स्पाइन पे वेट आता है, तो ये कर्व्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, तो आपके जो प्राइमरी कर्व्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं, थोरेसिक एंड सैक्रम. और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इस पे वेट आता है तो आपके लंबर और सर्वाइकल स्पाइन जो है उसके कर्व्स जो हैं वो लॉर्डोटिक हो जाते हैं, कन्वेक्स फॉरवर्ड हो जाते हैं. ठीक, तो ये प्राइमरी कर्व्स हैं, ये दोनों सेकेंडरी कर्व्स हैं, और अल्टीमेटली एक एडल्ट का स्पाइन जो है वो एस शेप स्पाइन होता है. ठीक, अब अगर तो आपने कोई भी चीज़ करनी है, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप कोई गोल्फ खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो उसमें अगर आपने अपना ट्रंक को फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप नीज को बेंड करें और अपनी दोनों लेग्स के दरमियान थोड़ी सी स्पेस बढ़ाएं. अगर आप इस तरह से बेंड करेंगे तो आपकी स्पाइन बेंड हो रही है, आपकी पेल्विक टिल्ट आएगी, आपका नेक डिस्टर्ब हो रहा है, इससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी बायोमैकेनिक्स ख़राब हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज़ द आइडियल पोजीशन. जैसे कि आप लोग आए थे लैब करने, लैब आप लोगों को मैंने डिफरेंट स्पेशल टेस्ट करवाए, उसमें मैंने आप लोगों को कह दिया कि जब भी आपने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बॉडी पोस्चर को देखें. अगर एक थेरेपिस्ट अपने बॉडी पोस्चर को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा तो अल्टीमेटली जो है वो पहले दूसरे दिन ही उसकी अपनी बैक पेन निकल आएगी. ठीक है, तो आपका अपना बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप पेशेंट को एफिशिएंटली डील कर सकें. ठीक है, अपनी स्पाइन को आपने स्ट्रेट रखना है, आप अपने नीज को बेंड कर सकते हैं, आप किस तरह से आपने अपने बॉडी मैकेनिक्स को मद्देनजर रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपने अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को जो भी हैं उनको अवेयरनेस देनी है कि बॉडी पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दीज पोस्चर प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्लिक क्लैक फिनोमेना क्या है? ठीक है, क्लिक क्लैक फिनोमेना बेसिकली ये है कि अगर आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं और पीछे बैक रेस्ट नहीं है, आप एज पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर एक पर्सन जो है अब ट्रंक को फॉरवर्ड बेंड करे, ठीक है, सामने की तरफ झुके, अगर वो ट्रंक को फॉरवर्ड बेंड करेंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनके जो लंबर स्पाइन में इंटीरियर ट्रांसलेशन आएगी, और उसमें क्या होगा कि आपकी जो लंबर की लॉर्डोटिक कर्व है ना वो इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, अच्छा, अब और अगर वो पोस्टीरियरली बेंड करेंगी, अगर वो पोस्टीरियरली बेंड करेंगी तो लंबर की जो लॉर्डोटिक कर्व है वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, और न्यूट्रल पोजीशन में ना वो आगे की तरफ बेंड कर रही है ना पीछे की तरफ झुक रही है, तो उनका जो लंबर स्पाइन है वो स्ट्रेट रहेगा. लेकिन ये 5 मिनट्स अडाप्ट कर सकती हैं इस पोजीशन को, लेकिन 8 आवर्स के लिए तो नहीं ना कर सकती, तो इसलिए बैक रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये क्लिक क्लैक फिनोमेना है कि अगर एक पर्सन ऑफ एज पे बैठा हुआ है, बैक रेस्ट नहीं है, तो वो जैसे मूव करेंगे अपनी ट्रंक को तो अल्टीमेटली उनकी पैल्विक टिल्ट भी आएगी. ठीक है, अगर तो वो फॉरवर्ड ट्रंक को करी है तो उनकी जो लॉर्डोटिक कर्व है वो और इंक्रीज हो जाएगी लंबर की, और अगर वो बैकवर्ड करी हैं तो पोस्टीरियर पैल्विक टिल्ट हो सकती है लंबर पे, काइफोसिस या आप इसको कह सकते हैं स्ट्रेटनिंग हो जाएगी. ठीक है, और इसके ट्यूब्रोसिटी से डॉर्सली जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा. इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि न्यूट्रल पैल्विक टिल्ट है और न्यूट्रल आपको लंबर का कर्व लॉर्डोटिक नज़र आ रहा है. जब पैल्विक टिल्ट पोस्टीरियर चली जाएगी तो लंबर पे स्ट्रेटनिंग आ गई, और जब पैल्विक टिल्ट इंटीरियर चली जा रही है तो आपका लंबर में जो लॉर्डोटिक कर्व था वो हाइपर लॉर्डोटिक कर्व हो गया. ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग यही बात हम लोग कर रहे हैं लॉर्डोटिक वर्सेस कायफोटिक लंबर, या कायफोटिक को हम स्ट्रेटनिंग भी कह देंगे. ठीक है, अब ये नॉर्मल पोस्चर, ये गुड पोस्चर है,
जब भी हमने पोस्चर देखना होता है एक पर्सन का, उसको हम इंटीरियरली भी असेस कर सकते हैं, लेटरली भी कर सकते हैं और पोस्टीरियरली भी कर सकते हैं. अगर हम लेटरली किसी भी पर्सन का पोस्चर देख रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने कुछ लेवल्स देखने हैं. ईयर, अब एक लाइन ड्रॉ करनी है, ईयर लेवल, फिर आपका ग्रेटर, फिर आपका जो है शोल्डर लेवल, फिर आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर का लेवल, फिर लेटरल साइड ऑफ द नी, फिर लेटरल मैलुलस, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, अब ये लाइन आपने ड्रॉ की, अब अगर तो एक पर्सन का ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है फीमर का वो आगे पीछे डिस्प्लेस है तो इसका मतलब है उसका पोस्चर ख़राब है. अगर तो उसके शोल्डर राउंडेड हैं और शोल्डर से लाइन पास नहीं करी तो तब भी उसका पोस्चर ख़राब है. ठीक है, अगर उसकी ये सारी चीज़ें इन लाइन हैं लेकिन उसने नेक फॉरवर्ड बेंड की हुई और उसका ईयर का लेवल इसके साथ मैच नहीं करा तो तब भी पोस्चर ख़राब है. तो हम पोस्चर, हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम कैसे उसका पोस्चर देखेंगे? लाइन ड्रॉ करके, इमेजिनरी लाइन, वी विल जस्ट सी इट कि इसका पोस्चर ख़राब है, इसने शोल्डर आगे की तरफ बेंड किए हुए हैं, इसने नेक आगे की तरफ बेंड की हुई है, इसका टिल्ट जो है वो इंटीरियर पोस्टीरियर है या न्यूट्रल पोजीशन में. ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंट इसमें हम बात करें तो इसमें बैक रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो बैक रेस्ट से क्या होगा कि आपकी पेल्विक टिल्ट भी नहीं होगी और लंबर पे जो लॉर्डोटिक कर्व है वो मेंटेन होगा, ना वो स्ट्रेट होगा और ना वो हाइपर लॉर्डोटिक में जाएगा. ठीक है, अगर बैक रेस्ट जो है वो थोरेसिक लेवल पर भी चली गई, ठीक है, बैक रेस्ट उन्होंने सिर्फ लंबर को नहीं वो थोरेसिक को भी सपोर्ट करेगी, तो थोरेसिक तो पहले ही कन्वेक्स बैकवर्ड है. अगर वो कन्वेक्स बैकवर्ड है और पीछे से बैक रेस्ट और उसको सपोर्ट करी है तो आपकी शोल्डर राउंडेड हो जाएंगे. ठीक है, तो ये फिर मैटर करता है कि आपने जो बैक रेस्ट है वो लंबर के रीजन पे रहे, स्कैपुलास के इंफीरियर बॉर्डर से नीचे ही रहे. उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर बेड पे पर्सन ने सिटिंग में बैठना है तो उसके लिए भी कुछ इंक्लाइंड सर्फेसेस मौजूद हैं जो कि उसको बहुत अच्छी सपोर्ट दे सकती हैं. अगर हम लोग हॉस्पिटल बेड्स की बात करें तो उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल्स में ना उनके पास इंक्लाइंड बेड मौजूद होते हैं जो कि ईजीली उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं. यहाँ पे मैंने ये जिस तरह के इंक्लाइन बेड मौजूद होते हैं जो कि उसको आराम से सपोर्ट करते हैं. इसमें आपकी ये लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है, ये भी इंक्रीज़ हो सकता है. बड़े अच्छे अब तो बेड यूज़ होते हैं. और अगर ये ना हो तो लोग फिर डिफरेंट टाइप की, आप कह सकते हैं अगर घर में ये वाले ऑब्वियसली मौजूद नहीं हैं तो आप डिफरेंट कह सकते हैं इंक्लाइन सर्फेसिस यूज़ कर सकते हैं. कुछ लोग पिलो यूज़ कर सकते हैं. इसमें क्या है कि इस पोजिशन में पेशेंट रीडिंग राइटिंग तो खैर कर ही सकता है. इसमें रेस्पिरेटरी अक्सर पेशेंट जो होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या उनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए पोजीशन बड़ी आइडियल है. फीडिंग के लिए पोजीशन बड़ी आइडियल है. और उसके अलावा कुछ हमारी फिजिकल थेरेपी में आप कह सकते हैं टेक्निक्स हैं जो कि सिटिंग में हो सकती हैं, लाइंग पोजीशन में नहीं हो सकती, तो उनके लिए भी हम ये पोजीशन अडाप्ट करते हैं. वो आप हाइट एडजस्टेबल बेड्स यूज़ करें हैं या इस तरह का कोई चीज़ यूज़ करें हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू और योर रिसोर्सेस. ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम सीट के हवाले से बात करें, अगर हॉरिजॉन्टल सीट के हवाले से बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक सिंपल क्लासिकल रॉकिंग चेयर है कि इसमें क्या होगा कि आपका ये हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल चेयर है और एक क्लासिकल रॉकर चेयर है जो कि आपकी, आप कह सकते हैं कि डाउनवर्ड जारी है, इसमें इंक्लाइनेशन है. अब आपकी जो स्किल ट्यूब्रोस्टी है ना, इधर पर्सन बैठेगा ना तो उसकी स्किल ट्यूब्रोस्टी पे काफ़ी लोड आएगा और जब वो इस चेयर पे बैठेगा तो इसकी आप कह सकते हैं कि जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है और जो हाइट है, ठीक है, अब ये ऊंचा है और ये डाउन है, ठीक है, तो अब इस पे आपका FH कंपोनेंट जो है वो हाइट कम होगी तो अल्टीमेटली स्किल ट्यूब्रोस्टी पे उसके लोड जो है वो कम आएगा. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये सैक्रम है, ये कॉक्सिस है, ये स्किल ट्यूब्रोस्टीज हैं. पर्सन जो प्रोलॉन्ग सिटिंग के होते हैं और हार्ड सरफेस पे बैठते हैं उनमें स्किल ट्यूब्रोस्टी का इशू, उनमें कॉक्सिस का इशू बहुत कॉमन है. कॉक्सीडाइनिया इज़ वेरी कॉमन कंडीशन, ख़ासतौर पर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एग्ज़ाम्स के बाद उनको कॉक्सीडाइनिया हुआ होता है फॉर प्रोलॉन्ग, आफ्टर प्रोलॉन्ग सिटिंग. तो उसके लिए हमारे पास बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं. हम उनकी कॉक्सिस को मोबिलाइज कर सकते हैं, हम उसके SI जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं, हम उनके पिरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मोडलिटीज़ यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें तो हम करेंगे जब पेशेंट हमारे पास आ गया.
ठीक, अगर तो कोई अभी पर्सन है और उसने आगे इन फ्यूचर प्रोलॉन्ग सिटिंग करनी है, तो हम उनको पहले से गाइड कर देंगे कि आप थोड़ा सॉफ्ट सरफेस पे बैठें, थोड़ी सी अपनी मूवमेंट करें, दरम्यान में पोस्चर चेंज करें। और कॉक्सीज का हमारे पास एक पिलो भी होता है जो कि कॉक्सीज के ऊपर प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्राइमरी प्रिवेंशन पे भी फोकस करेंगे और जो हमारे पास ऑलरेडी इल पेशेंट आया है उसकी सेकेंडरी प्रिवेंशन पे भी देखेंगे कि उसकी प्रोग्रेशन ना हो, ठीक है, इलनेस की। उसके अलावा आपका हेड रेस्ट है, हेड रेस्ट बेसिकली आपके हेड को कैरी कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और अगर हेड रेस्ट बहुत आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा तो अल्टीमेटली वो क्या नुकसान करेगा कि आपकी जो बैक है वो प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी। तो हेड रेस्ट की प्रॉपर पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेड रेस्ट और स्क्रीन को देखने का आपका अल्टीमेटली ये इंटरलिंक्ड है, तो अगर हेड रेस्ट प्रॉपर होगा तो आपकी स्क्रीन का व्यू भी ईजीली आपको परफेक्ट नज़र आएगा। लेग क्रॉसिंग बेसिकली इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन लोग फिर भी अडाप्ट करते हैं। अब लेग क्रॉसिंग में बेसिकली SI जॉइंट की सेल्फ ब्रेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, सेल्फ ब्रेसिंग को मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल्फ ब्रेसिंग बहुत ज़रूरी है कि SI जॉइंट पे जो शेयर फोर्सेस आ रही हैं उसके अगेंस्ट SI जॉइंट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को सेल्फ ब्रेस करता है कि वो उस पे शेयर फोर्सेस एक्ट ना कर सकें, या उसके उसकी वजह से कोई उसकी बायोमैकेनिकल चेंजेस ना आ सकें। तो इंटरनल ऑब्लीक मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ ब्रेसिंग ऑफ SI जॉइंट, और अगर इंटरनल ऑब्लीक मसल वीक होगा तो SI जॉइंट की सेल्फ ब्रेसिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। चेयर एंड टेबल, चेयर एंड टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर जब भी हमने चेयर और टेबल का यूजेज है हमारा, ठीक है, तो इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपकी सीट की हाइट, आपका फुट रेस्ट, उसके अलावा आपकी टेबल की हाइट, ठीक है, उसके अलावा आपकी, आप कह सकते हैं कि आपका, आप किस तरह से आपका ये वाला एंगल, ठीक है, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फुट रेस्ट, अब ये इसके फुट देखें काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं, तो उन्होंने फुट रेस्ट भी यूज़ कर लिया। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर फुट रेस्ट हो, आप किसी भी चीज़ से। अब मॉनिटर जो है वो आई लेवल पे होना चाहिए, अगर मॉनिटर आपके पास आई लेवल के लिए नहीं है तो आप नीचे कोई ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपका मॉनिटर आई लेवल पे नहीं है तो आप नेक को बेंड करके देख रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसे आपने नहीं करना। या तो टेबल की हाइट ऐसी हो जाए, या टेबल इंक्लाइन हो, या आप मॉनिटर के नीचे कोई ब्लॉक्स रख लें, ठीक है। तो डिफरेंट आपकी चेयर और टेबल की जो हाइट है वो बड़ी मैटर करती है। उसके अलावा आपकी, और आपकी जो हमने कार्पल टनल में बात की कि आपका रिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्स या एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना आपका कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो उसके लिए भी आपने आइडियली न्यूट्रल पोजिशन में रिस्ट को रखना है जब भी कीबोर्ड यूज़ करना है। माउस का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह से करना है, और इसमें आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें वो जब भी यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि उनका फुट, उनके नी, हिप का एंगल, उनकी नेक का एंगल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करी हैं जब चेयर और टेबल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो और ख़ास तौर पे जो ऑफिस वर्कर्स हैं जिन्होंने 8-8 आवर्स के लिए रहना है, तो उनके लिए उनको पोस्चर पे गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि पोस्चर प्रॉब्लम्स हो। अब ये देखिए, ये बड़ा अच्छा आइडियल पोस्चर है, उन्होंने नीचे ब्लॉक यूज़ किया हुआ है ताकि आई लेवल पे उनकी स्क्रीन हो, ठीक है, उन्होंने रिस्ट पे कोई एक्सटेंशन फ्लेक्शन नहीं की हुई, एक न्यूट्रल पोजीशन में रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी रिस्ट भी बच गई बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़, या आप कह सकते हैं कार्पल टनल या और चीज़ों से। उसके अलावा उन्होंने नेक को भी कोई बेंड नहीं किया हुआ। और यहाँ पे पूरे पोस्चर में देखें तो उसका नेक, उसकी बैक, लोअर बैक, अपर बैक, उसकी हिप जॉइंट, उसकी फुट, उसकी आइज़ के लेवल पे नहीं है स्क्रीन, तो किस तरह से उसकी पूरी बॉडी मैकेनिक्स चेंज हो गई ड्यू टू पुअर पोस्चर। और जब वो प्रॉपरली इसको यूज़ करेगा तो, और फुट रेस्ट भी उसने यू, अब यहाँ पे वो फुट रेस्ट यूज़ कर रहा है, रिस्ट यहाँ पे फ्लेक्स की हुई है, यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में रख ली है, अपने उसने बैक रेस्ट यूज़ कर लिया। अब बैक रेस्ट सिंपली इसको थोड़ा सा आप आइडियल पोजीशन में इसको लंबर के लेवल पे रखें, या यहाँ पे ज़्यादा हो और यहाँ पे एक सिंपल प्लेन हो, तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा उसको अच्छे से कर सकेंगे। अगर किसी पर्सन ने रीडिंग और राइटिंग करनी है, तो अगर उसका जो भी चीज़ उसने रीड करनी है वो स्क्रीन से बेशक रीड करी है, तो 20-35
से ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो अल्टीमेटली वो शायद अपनी नेक को बेंड करे, ठीक है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड हेड पोस्चर अडाप्ट करने की कोशिश करें। तो आप कोशिश करें कि जो फॉन्ट साइज़ है जो वो यूज़ करें उस पर जूम कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब अगर तो आप ये देखें डिफरेंट तरह से सिटिंग विद टेबल, ठीक है, चेयर एंड टेबल के साथ पूर पोस्चर की बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिस तरह से हम लोगों ने अडाप्ट की होती हैं। इवन हम भी कभी कभी ये गलत पोस्चर्स अडाप्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक इरेक्ट प्रॉपर बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हमें इंक्लाइन सरफेस मिल जाए तो वो और ज़्यादा हमें हेल्प करती है एक अच्छा प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने के लिए। अब इसमें वो कह रहे हैं कि इंक्लिनेशन जो है ना आपके टेबल की, अगर आपके पास है टेबल इंक्लाइन वाला, तो 12 डिग्री होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे ज़्यादा का ये नुकसान होगा कि एक तो ये ज़्यादा ऊपर आ जाएगा आपके आई लेवल के मुताबिक, और आपके ये ज़्यादा नीचे चला जाएगा जिसकी वजह से आपका आर्म प्रॉपरली इस पर रेस्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो राइटिंग में डिफ़िकल्टी हो जाएगी, और एक प्रॉपर जो भी चीज़ हम सजेस्ट करते हैं इंक्लिनेशन है या कुछ भी चीज़ है तो उसकी एक प्रॉपर लिमिट होती है, उससे ज़्यादा इंक्लिनेशन जो है वो भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस भी आइडियल नहीं है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज फिर आप उसको मैनेज करते हैं। लाइंग पोजीशन के हवाले से बात करें तो लाइंग पोजीशन में जब भी पर्सन ड्यूरिंग स्लीप वो अपनी पोजीशन काफ़ी चेंज कर रहा है, अगर वो कॉन्शियस है ऑब्वियसली, इन हॉस्पिटल्स दे कांट, बिकॉज अगर वो अनकॉन्शियस है खासतौर पे पेशेंट, सो वो इतनी अपनी पोजीशंस चेंज नहीं कर सकते। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसके जो स्टाफ है वो उनकी पोजीशन चेंज करते हैं आफ्टर एवरी 2 आवर्स, और अगर हम कॉन्शियस पेशेंट के हवाले से बात करें तो वो खुद भी अपनी पोजीशन वो तो खुद डेफिनेटली खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई पेन के साथ पेशेंट और कॉन्शियस है फिर उनके अटेंडेंट उनको हेल्प आउट कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी लाइंग पोजीशन में आपका शोल्डर और हिप जॉइंट है जिस पे मेन आपका बहुत ज़्यादा लोड आ रहा होता है, ठीक है, और अब जब भी हमारे पास बैक पेन का पेशेंट आएगा हम उससे मैट्रेस ज़रूर पूछेंगे, ठीक है, कि आप कैसा मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है जैसे कुछ ऑर्थोपेडिक्स सजेस्ट करते हैं, बहुत स्प्रिंगी तो नहीं है, या फर्म मैट्रेस है, ठीक है। अब फर्म मैट्रेस में भी ऐसे होना चाहिए कि आपकी जो स्पाइन है ना ड्यूरिंग साइड लाइन वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन वो एस शेप्ड हो, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो थोरेसिक है और जो बटक एरिया है वो सिंक कर सकता है, लेकिन आपका लंबर और हर चीज़ ही अंदर सिंक ना करे, ठीक है। अगर हर चीज़ सिंक करिए अंदर तो डेफिनेटली आपके लंबर पर लोड बहुत आएगा। डिफरेंट मटीरियल के मैट्रेसेस यूज़ हो रहे हैं, उसमें फ्लूइड गैस डिफरेंट मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, विस्कोलास्टिक मटीरियल भी है जो कि प्रिवेंट करता है प्रेशर सोर्स। अभी बात हुई थी कुछ पेशेंट्स होते हैं अनकॉन्शियस, जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं ना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मतलब कि उनके तो प्रेशर सोर्स डेवलप हो जाते हैं जहाँ जहाँ पर उनके बोनी एरियाज़ होते हैं और वो एक ही जगह पर आप कह सकते हैं कि वो प्लेस्ड रहते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे मैट्रेसेस यूज़ करें, या इवन इन हॉस्पिटल्स वी यूज़ सम वाटर बैग्स फॉर देम, कि जहाँ पे उनके जिस तरह के ओलिक्रॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना है, ठीक है, आपकी मीडियल मैलेलस है, लेटरल मैलेलस है, ठीक है, अगर वो इस तरह से उनके जो इवर्टेड फुट हो गए तो अल्टीमेटली लेटरल मैलेलस जो है वो आपकी बेड पे रहेगा काफ़ी देर, तो वो प्रेशर सोर्स वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। तो पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डिक्यूबिटिस स्किन अल्सर्स ना हों। डिक्यूबिटिस मीन्स के प्रेशर की वजह से एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो अल्सर्स बन जाते हैं या प्रेशर सोर्स ना बने, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट मैट्रेसेस यूज़ किए जा रहे हैं ताकि इसको अवॉइड किया जा सकता है, ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स के लिए जो कि दे कांट मूव, अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पिलो की हाइट बहुत मैटर करती है। अगर हमारे पास सर्वाइकल का पेशेंट आता है तो हम ज़रूर उनसे पिलो की हाइट पूछते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं। अगर पिलो आप नहीं यूज़ कर रहे और बहुत थिन पिलो यूज़ कर रहे हैं तो आपकी नेक एक्सटेंशन में जाएगी, अगर आप बहुत बड़ा पिलो यूज़ कर रहे हैं तो आपकी नेक फ्लेक्शन में जाएगी। तो आपको आइडियल पिलो यूज़ करना चाहिए जिसमें आपकी नेक जो है ना फ्लेक्शन में जाए ना एक्सटेंशन में जाए और आप अल्टीमेटली अच्छा पोस्चर मेंटेन कर सकें। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा कि मैम कुछ लोगों को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके लिए हम ऊंचा पिलो टू हाई पिलो यूज़ करते हैं तो उसमें तो उसकी फिर नेक की फ्लेक्शन आ रही होती है तो हम उसको दोनों चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकें। हम उन पेशेंट्स को
ऑब्वियसली कहते हैं कि थोड़ा आप हाई पिलो यूज़ करें ताकि आपकी ब्रीदिंग बेहतर हो, लेकिन जब वो ऑब्वियसली आफ्टर स्लीप जब वो उठ जाएंगे उनके बाद हम उनको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताएंगे ताकि जो ड्यूरिंग नाइट जो उनकी नेक की फ्लेक्शन रही और कुछ मसल्स जो एक्सटेंशन वाले मसल्स हैं वो स्ट्रेच रहे, कुछ टाइट रहे, तो अब अल्टीमेटली कुछ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, कुछ की स्ट्रेचिंग करा के एक नॉर्मल पोस्चर मेंटेन किया जा सके. ठीक है, अगर एक हमारी मजबूरी है कि हमने उनको हाई पिलो देना है तो अल्टीमेटली बाद में उनको कुछ ऐसी थेरेपी करवाएंगे ताकि उनको उनकी कोई पोस्चर एबनॉर्मेलिटी या प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.